और हमारी ये बदनसीबी है कि शांति और अमन और अहिंसा के पाठ पढ़ाने के लिए बार बार हमें कहना पड़ता है और फिर भी हिंसा होती है। पर उनको सिर्फ एक बार ये कहना पड़ता है गोली मारो सालों को, और मूर्ख लोग बंदूकें लेकर रास्तों पे निकल आते हैं और गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लाचारी है। आज हमें इस फितरत से भी आजादी पानी पड़ेगी। ये हमारे जहन में जो जहर डाला गया है उसका नतीजा है। इंसान मरता है लेकिन हम सवाल पूछते हैं हिंदू मरा या मुसलमान मरा। और हमारा दुख भी तब होता है कि अगर वो हमारे सिवा और कोई मरा हो। इंसानियत कहां चली गई हमारी, मानवता कहां चली गई हमारी, ये बात हमें अपने आप को भी पूछना होगा। क्योंकि आजादी सिर्फ उनको मिलती है जो आजादी के लायक होते हैं। हमें अपने आप को आजादी के लायक करना हो। ये कई लोग एनआरसी सीएए की बात करते हैं। आज एक ऐसा माहौल किया जा रहा है कि एनआरसी सीएए तो मुसलमानों के लिए ही है और इसीलिए वही रास्तों पे आ रहे हैं। और एक ऐसा भी माहौल तैयार किया जा रहा है कि क्योंकि अब मुसलमान आतंकित है तो हिंदू ने इसका समर्थन करना चाहिए। और यह जानकारी होना जरूरी है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये तीन कानून भारत के गरीब और वंचित प्रजा के लिए, उनको जितना परेशानी सहना पड़ेगा इसमें उनकी जो हालत होगी, जो उनके उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा उसका अंदाज अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये याद रहे कि गरीब और भी शोषित होगा, क्योंकि अपनी नागरिकता प्रस्थापित करने के लिए उनको जो दस्तखतें लगेगी, कहा है कि 5 लोगों की अगर सर्टिफिकेट ले आए कि हम ये गारंटी देते हैं कि ये यहाँ का नागरिक है तो हम उसकी नागरिकता कबूल करेंगे। यानी 5 लोगों की खुशामदी करना, 5 लोगों को रिश्वत देना और 5 लोगों के हाथों में अपनी आजादी कायम के लिए रख देना। क्योंकि जो आपको पैसे लेकर दस्तखत देगा वो कभी ये कह सकता है कि दूसरी दस्तखत देके मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं ये नहीं है नागरिक। तो गरीब का क्या हाल होगा ये आप याद रखिएगा। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये गरीबों की बात है। और गरीबों ने इसके खिलाफ करना होगा। इस सरकार को कहना होगा कि अगर तुम अमीरों की सरकार बन के रहना चाहते हैं तो चले जाओ। 42वें बापू ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ भारत छोड़ो। उस सब कहने से आजादी नहीं मिली थी हम। उस वक्त के हर भारतीय नागरिक ने इसे अपना फर्ज समझा था और उसके बाद 5 साल तक लड़ता रहा तब जाके आजादी मिली। वो कहते हैं कि बस 2 महीने हो गए अब और कितना लड़ोगे, चले जाओ घर चले जाओ। ये याद रहे हमारी आजादी की जंग 40 साल तक लड़ते रहे थे हम। बापू के नेतृत्व में भी 30 साल तक लड़ाई जारी रही और तब जाके हमें आजादी मिली। तो ये दूसरी आजादी भी हमें सस्ते में नहीं मिलेगी, हमें लड़ना पड़ेगा इसके। राज्यों की बात ये है कि ये जो कानून डाला गया है स्वतंत्र हिंदुस्तान में, ये अजीब बात पहली बार हो रही है कि पहले तुम्हें बेदखल कर देंगे, तुम्हें कहेंगे कि तुम नागरिक नहीं हो, और बेदखल करने के बाद जब तुम ये कहोगे कि यार मुझे नागरिक बना दो तो कहेंगे कि तुम ये बताओ अगर तुम हिंदू हो तो तुम ये कबूल करो कि तुम पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या अफगानी हो तो हम तुम्हें वापस नागरिकत्व दे देंगे। यानी एक बार मुझे अपनी नागरिकत्व से बेदखल तुम ही करोगे और दूसरी बार झूठ बुलवा के वही नागरिकत्व मुझे बहाल भी तुम ही करोगे। ये पहली दफा है कि सरकार इस तरह से
डोगरी जुबान बोलती है और हमारी जनता को यह मजबूर करती है कि सच्चाई कहोगे तो तुम्हें बेदखल कर देंगे, झूठ बोलोगे तो नागरिकत्व दे देंगे। ये याद रखना, ये सब चीज याद रखने की जरूरत है। और ये लड़ाई अब ये सरकार ये कानून वापस ले ले तो भी ये लड़ाई रुक नहीं सकती, क्योंकि ये लोग हमें बांटकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। और जब तक उनकी ये बदनीयत को हम हरा नहीं देते, ये कोई एक मोदी और शाह नहीं है, हम उन्हें हराएंगे तो वो लोग वापस किसी और को ले आएंगे। ये जो फितरत है उसे हराने की जरूरत है और उसके लिए हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी होगी। अगर गोली मारना चाहते हैं तो 48 में भी उन्होंने बापू की छाती में तीन तीन गोलियां मारी थी, तीन तीन गोलियां मार के कत्ल किया था बापू ने उनको, उन्होंने। और ये तीन कानून भी वही तरीके की गोलियां हैं जो हमारे मुल्क को मारने की कोशिश करके इस मुल्क को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। क्या हम हमारे मुल्क को कत्ल होने देंगे? क्या हम हमारी इंसानियत का कत्ल होने देंगे? इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।